हेलो एंड वेलकम बैक। इन चाइना टाइप क्लाइमेट रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर। क्या बात सही है? हाँ, चाइना टाइप का क्लाइमेट में जो रेनफॉल होता है पूरा साल ओवर होता है। सो इन चाइना टाइप क्लाइमेट रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल हाईलैंड्स एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स। जो ट्रॉपिकल हाईलैंड्स है ना, ये क्या एग्जिबिट करते हैं? ये एग्जिबिट करते हैं वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स। अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेट्स के वर्टिकल जोनेशन को एग्जिबिट करता है। कौन हाईलैंड्स? ट्रॉपिकल हाईलैंड्स। सो ट्रॉपिकल हाईलैंड्स एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स। क्या बात सही है? यस। व्हाट इज़ एल्बिडो? एल्बिडो का मतलब क्या है? द फ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस। जो लाइट का फ्रैक्शन है जो कि सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्टेड हो जाता है, उसको बोलते हैं एल्बिडो। व्हाट इज़ एल्बिडो? फ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस। ऑर्डर ऑफ एल्बिडो, एल्बिडो का ऑर्डर अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो टुंड्रा में होता है, फिर टाइगा में, फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस में और फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। सबसे ज़्यादा एल्बिडो कहाँ पे होता है? टुंड्रा में, फिर टाइगा में, फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस में और फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। टुंड्रा, टाइगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस और ट्रॉपिकल एवरग्रीन। टुंड्रा, टाइगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस और ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ऑर्डर ऑफ एल्बिडो, एल्बिडो का ऑर्डर क्या है? टुंड्रा, टाइगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस और ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ऑर्डर ऑफ एल्बिडो इज टुंड्रा, टाइगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ऑर्डर ऑफ एल्बिडो क्या है? टुंड्रा, टाइगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस और ट्रॉपिकल एवरग्रीन। 62-65 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर्स हैव लो प्रेशर बेल्ट इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट। क्या बात सही है? हाँ, 60-65 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर्स, दोनों हेमिस्फीयर्स में लो प्रेशर बेल्ट होता है इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट। तो दोनों हमारे पास पता है दो हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो 60-65 डिग्री वाला लैटिट्यूड्स होता है और सदर्न हेमिस्फीयर का भी जो 60-65 डिग्री वाला लैटिट्यूड होता है, वो कौन सा रीजन होता है? वो रीजन होता है लो प्रेशर बेल्ट होता है। ठीक है, वहाँ पे 60-65 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड होता है वहाँ पे क्या कौन सा प्रेशर होता है? लो प्रेशर बेल्ट होता है इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर। सब पोलर लो प्रेशर इज लोकेटेड बिटवीन 60-65 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। वाई? सब पोलर लो प्रेशर इज लोकेटेड बिटवीन 60-65 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। वाई? लो प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड इन दिस एरिया बिकॉज द सर्फेस एरिया, सर्फेस एयर स्प्रेड्स आउटवर्ड फ्रॉम दिस जोन ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो देखो, उस जोन में 60-65 वाले जो जोन है ना, तो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण से जो एयर है वो फैल जाता है, बाहर फैल जाता है। तो अगर बाहर फैलेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर कम होगा। अगर हम प्रेशर हवा अगर उस पर लगेगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना, और हवा अगर निकल रहा है उसे, फैल रहा है, तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो सब पोलर लो प्रेशर इज़ लोकेटेड बिटवीन 60-65 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। वाई? बिकॉज लो प्रेशर इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस एरिया बिकॉज द सर्फेस एयर स्प्रेड्स आउटवर्ड फ्रॉम दिस जोन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। द सर्फेस विंड्स स्पाइरल इनवर्ड्स अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन्स। वाई? द सर्फेस विंड्स स्पाइरल इनवर्ड्स अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। वाई? जो सर्फेस विंड्स होते हैं ना, वो अंदर की तरफ स्पाइरल करते हैं सेंटर ऑफ साइक्लोन की तरफ। क्यों? क्योंकि एयर डिसेंड्स इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। क्योंकि जो एयर होता है ना, वो बैठता है सेंटर ऑफ साइक्लोन में बैठता है। सो एयर डिसेंड्स इन द सेंटर ऑफ साइक्लोन, एयर डिसेंड्स इन द सेंटर ऑफ साइक्लोन। सो सर्फेस विंड्स स्पाइरल इनवर्ड्स अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। वाई? बिकॉज द एयर डिसेंड्स इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। नेम फोर कंडीशंस ऑफ द थंडर क्लाउड डेवलपमेंट। थंडर क्लाउड डेवलपमेंट के चार कंडीशंस बताइए। पहला कंडेंसेशन, दूसरा हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, ओरोग्राफी और वर्टिकल विंड। ये चार कंडीशंस है जिससे थंडर क्लाउड डेवलप होता है। नेम फोर कंडीशंस फॉर थंडर क्लाउड डेवलपमेंट। एक है आपका कंडेंसेशन, दूसरा हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, तीसरा है ओरोग्राफी और चौथा है वर्टिकल विंड। ओरोग्राफी और वर्टिकल विंड, ठीक है। सो नेम फोर कंडीशंस फॉर थंडर क्लाउड डेवलपमेंट। थंडर क्लाउड डेवलपमेंट के लिए चार कंडीशंस हैं। एक है आपका कंडेंसेशन, दूसरा है हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, तीसरा है ओरोग्राफी और चौथा है वर्टिकल विंड। नेम फोर कंडीशंस फॉर थंडर क्लाउड डेवलपमेंट: कंडेंसेशन, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, ओरोग्राफी एंड वर्टिकल विंड। फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस, सॉरी, फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक प्रिडिक्शंस विच इवेंट डिटेक्टेड इन द लास्ट डिकेड इज एसोसिएटेड विथ ओकेजनल वीक मानसून रेन्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशंस। एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशंस। फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक प्रिडिक्शंस,
विच इवेंट डिटेक्टेड इन द लास्ट डिकेड इज एसोसिएटेड विद ओकेजनल वीक मानसून रेन्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशंस। शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक प्रेडिक्शन के लिए कौन सा इवेंट डिटेक्ट किया गया था पिछले दशक में जो कि एसोसिएट है वीक मानसून रेन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वीक मानसून लेकर के आता है आपका एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशंस, तो इसके कारण से क्या होता है ना, क्लाइमेटिक प्रेडिक्शन शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं। सो फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक प्रेडिक्शंस विच इवेंट डिटेक्टेड इन द लास्ट डिकेड इज एसोसिएटेड विद द ओकेजनल वीक मानसून रेन्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशंस। पेरियार लेक इज अ लगून और नॉट? नो, पेरियार लेक जो है वो लगून नहीं है। पेरियार लेक इज अ लगून और नॉट? नो, पेरियार लेक इज नॉट अ लगून। द अर्थ इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, क्या बात सही है? हाँ, जो अर्थ है वो सबसे, जितने भी प्लैनेट्स हैं सबसे डेंस है। सो द अर्थ इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, सही बात। मरकरी प्लैनेट्स इन ऑर्डर, प्लैनेट को ऑर्डर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जानते हैं हम लोग। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। रिकैप कर लेते हैं। इन चाइना टाइप क्लाइमेट रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर, क्या बात सही है? यस। ट्रॉपिकल हाईलैंड्स एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स, ट्रू। व्हाट इज एल्बिडो? द फ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस इज कॉल्ड एल्बिडो। द ऑर्डर ऑफ एल्बिडो इज टुंड्रा, टाइगा, डेसिडुअस फॉरेस्ट, सॉरी ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। टुंड्रा, टाइगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। 60-65 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर्स हैव लो प्रेशर बेल्ट इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर, क्या बात सही है? यस। सब पोलर लो प्रेशर इज लोकेटेड बिटवीन 60-65 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर, वाई? बिकॉज लो प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड इन दिस एरिया बिकॉज द सर्फेस एयर स्प्रेड्स आउटवर्ड फ्रॉम दिस जोन ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। द सर्फेस विंड्स स्पाइरल इनवर्ड्स अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, वाई? बिकॉज द एयर डिसेंड्स इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। नेम फोर कंडीशंस फॉर थंडर क्लाउड डेवलपमेंट, कंडेंसेशन, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, ओरोग्राफी एंड वर्टिकल विंड। फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक प्रेडिक्शंस विच इवेंट डिटेक्टेड इन द लास्ट डिकेड इज एसोसिएटेड विद ओकेजनल वीक मानसून रेन्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशंस। पेरियार लेक इज अ लगून और नॉट? नो। द अर्थ इज डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, क्या बात सही है? यस। प्लैनेट्स इन ऑर्डर बताइए, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।